हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग सब लोग सेफ होंगे और घर पर होंगे एंड बाहर तभी निकल रहे होंगे जब आपको जरूरत हो रही हो. आज मैं शेयर करने वाली हूँ एवर स्टाइलिश का हॉल. ऑलरेडी मैंने दो एवर स्टाइलिश हॉल शेयर कर चुकी हूँ जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो मैंने सोचा एक और एवर स्टाइलिश हॉल कर लेते हैं क्योंकि मैंने इस बार मंगाया है कुछ वेस्टर्न ज्वेलरी. इससे पहले आई थिंक सब मिक्स था, लाइक वेस्टर्न एथनिक सारा ज्वेलरी मिक्स था. तो ये अभी मैंने सिर्फ मंगाया है वेस्टर्न ज्वेलरी. सो अब बाकी दोनों हॉल का लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी ऊपर कहीं पे, तो आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा. नहीं, प्राइसेस स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. सो और सारा एवर स्टाइलिश है तो एवर स्टाइलिश का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज़ मेक श्योर टू डू चेक दैट आउट. सो विदाउट एनी फर्दर, ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होता है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इसके बगल में बेल आइकन आएगा उसे भी हिट कर दिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाली सभी वीडियोज के बारे में नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे. ऑल्सो ये आई लुक मैंने इंस्टाग्राम पर क्रिएट किया है, तो अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है या फिर इस तरह से और भी आई लुक जानना है तो प्लीज़ मेक श्योर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा. इंस्टाग्राम का हैंडल यहीं कहीं स्क्रीन पर होगा या तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इन टू द वीडियो. तो सबसे पहला जो पीस होने वाला है दैट इज़ ये इयर रिंग. ये इयर रिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने दो पीस ऑलरेडी यहाँ पहनी हुई हूँ. सो ये इयर रिंग है, या फिर मैंने बहुत टाइम से मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे फीड में भी बहुत बार आ रहा था, सो आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स हैव अ ट्राई. सो पहला इयर रिंग ये, और जितने भी चीज़ें मैं पहनने वाली हूँ उन सभी का फोटोज मैं यहीं पर साइड में इंसर्ट कर दूंगी यहीं पर, सो ताकि आपको पता चले कैसा दिखता है मेरे ऊपर या फिर ऐसा इन जनरल कैसा दिखता है. सो या ऑल्सो एवर स्टाइलिश के ऊपर मैं एक और चीज़ बोलने वाली हूँ कि उनका ज्वेलरी थोड़ा सा बहुत जल्दी लाइक एक या दो यूज़ में ही फेड होने लगता है. लाइक जो गोल्डन टेंट जो भी है वो थोड़ा कम होने लगता है. सो नॉट अ बिग फैन ऑफ नेक पीसेज, बट मतलब नेक पीसेज अच्छी हैं बट वो फेड होना थोड़ा मुझे पैसा दिया अल्टीमेटली आपने तो फिर बुरा तो लगता है ना थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी और भी कहीं से ज्वेलरी अगर लेती हूँ मैं जिसमें इंस्टाग्राम स्टोर से परचेस करती हूँ तो उनके ज्वेलरीज आखिरी कुछ ज्वेलरीज हैं मेरे पास जो फेड नहीं होती है बहुत बार पहनने के बाद भी, तो दैट्स अ बमर काइंड ऑफ थिंग. लेट्स सी, मैं केयर तो बहुत करती हूँ लाइक पहनने का, मैं आजकल साफ करती हूँ अच्छे से एंड देन उसको रखती हूँ ताकि वो फेड ना हो, बट स्टिल अब जब मैं पहनी होगी मुझे यहाँ नेक में स्वेटिंग हो रही है तो धीरे धीरे क्या होता है फेड हो जाएगा, तो वो चीज़ काइंड ऑफ बमर है. सो या सबसे पहला जो है वो है ये इयररिंग जो मैंने यहाँ पहना हुआ है. फोटोज़ अगेन वो यहीं कहीं स्क्रीन पे होगा आपको दिख जाएगा. सो सबसे पहला ये इयररिंग था, इट्स लाइक दिस ब्यूटीफुल स्टेटमेंट इयररिंग जिसमें गोल ऐसा सर्कल है एंड उसके बीच से एक लाइन है, तो ये पहला था. उसके साथ एक नेक पीस मैंने पेयर किया जो कि आप देख सकते हैं, आपको ये डबल चेन वाला है, यहाँ पे एक काइंड ऑफ पाइप पता नहीं कुछ है, और उसके साथ साथ एक इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये सब है. एंड ऑब्वियसली इसमें क्या छोटे छोटे चेन्स भी हैं ताकि आपको अच्छे पहनने में कोई प्रॉब्लम ना हो. सो लाइक अगर आपको थोड़ा लंबा चाहिए तो आप लंबा कर सकते हो, छोटा चाहिए तो छोटा कर सकते हो. तो सेकेंड पीस ये था. एंड ऑल्सो जो बाकी दो मैंने हॉल किया है उसमें आई थिंक मैंने किसी दोनों में या फिर किसी एक में रिव्यू पूरा किया हुआ है, तो अगेन मैं दोनों का आई थिंक फर्स्ट वाले में रिव्यू पूरा है तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो. ऑल्सो अभी लॉकडाउन के टाइम में मुझे थोड़ा डिलीवर होने में टाइम लगा था, लाइक मैंने स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मई में ही ऑर्डर किया था एंड मुझे आई थिंक एंड ऑफ द मे लाइक मुझे 23rd को डिलीवर हुआ था ये चीज़, तो वो है. तो इस बार बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था नॉर्मली, बट जब निकला था उसके आई थिंक डिस्पैच 21 को हुआ था और 23rd को मुझे आ गया था, तो दैट्स अ गुड थिंग. थर्ड नेक पीस ये है, ये आई थिंक ये एक बीड्स वाला है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल चोकर काइंड ऑफ है. अगेन पिक्चर यहीं होगा किस तरह से दिखता है. तो थर्ड नेक पीस ये था. एक्चुअली मैंने एक चाइनीज ड्रामा में देखा था दैट वॉज पुट हेड ऑन माई शोल्डर, जिसमें जो मेन लीड थी उन्होंने अपने वेडिंग ड्रेस के साथ पहना था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आई वॉज लाइक हाँ मुझे ऐसा चाहिए एंड थैंकफुली मुझे मिल गया. सो या फॉर थर्ड ये है. नेक्स्ट इज एन इयर रिंग जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, लाइक यू कैन सी ये एक्चुअली डैंगलर्स है, यानी कि डैंगलर्स है जिसमें आपको स्टड टाइप का फंसाने के लिए मिल रहा है एंड देन उसमें छोटे छोटे दो सर्कल्स है, दोनों हुप्स दोनों एक दूसरे में मिक्स है. आई डोंट नो, आई हैव समथिंग विद हुप्स एंड सर्कल्स एंड व्हाट नॉट. ओके, ये ऐसे होना चाहिए था. ओके सॉरी, समथिंग लाइक दिस.
इट्स नथिंग लाइक कि मैं पहले नेकलेस दिखा रही हूँ एंड पहले या फिर इयरिंग दिखा रही हूँ, बस रैंडम ऑर्डर में. नेक्स्ट पीस इज़ ये कुछ इस तरह का है. इसमें बीच में एक लाइक स्टार मून है और एक छोटू सा स्टार है यहाँ पे. एंड रियली रियली क्यूट नेक पीस है. नेक्स्ट नेक पीस इज ये. आई एम नॉट अ बिग पॉटर हेड बट स्टिल मुझे हैरी पॉटर बहुत अच्छा लगता है, लाइक बचपन की याद है. तो ये एक्चुअली हैरी पॉटर का अगर हमने देखा होगा वो डेथली हैलोस, तो उसमें बताया गया ये क्या है. लाइक देर इज वोल्डेमॉर्ट का वॉन्ड है एक, एंड देन देर इज सॉर्सरर्स स्टोन, एंड सो ये तीन चीज़ें हैं. तो ये हैरी पॉटर का नेक पीस है कह सकते हैं. नेक्स्ट इज अफिल सी. ये एक एक्चुअली डैंगलर्स है जो कि हुक में है, लाइक स्टड वाली नहीं है. एंड इसमें छोटे छोटे सा सर्कल है एंड देन यहाँ पे छोटे छोटे डंडे जैसे हैं. आई एम वेरी बैड एक्सप्लेनिंग ज्वेलरी. सो ये था. एंड अगेन आपको पिक्चर यहीं कहीं दिख जाएगा, मैंने सारा कैमरा से ही ले लूँगी ताकि फोकस अच्छा है. तो नेक्स्ट पीस ये था. नेक्स्ट इज दिस स्टेटमेंट इयररिंग. लाइक ये बहुत ही सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल काइंड ऑफ डिज़ाइन है, ये पूरा मेटल का है. सो नेक्स्ट इज दिस वन. लाइक यू कैन सी दिस इज द पीस. एंड अगेन फोटो सारे यहाँ पे स्क्रीन पे ही होंगे, यहीं पे आप यहाँ पे कहीं पे साइड पे होंगे. ये एक्चुअली डैंगलर है, मतलब इसमें स्टड नहीं है, इसमें हुक वाला है. लाइक यू कैन सी दैट इज हुक. एंड इसे पहले वाले में स्टड था, लाइक स्टड में आपको पीछे फिर आपको फिट इन करना होगा, वो चीज़ है. तो हुक वाला आई थिंक सिर्फ ये ही है, नहीं दो तीन हुक वाले हैं, तीन हुक वाले हैं यार, एक तीन हुक वाले, बाकी सारे स्टड है तो हुक से. नेक्स्ट इज ये एक्चुअली अगर आपको एवर स्टाइलिश के अगर आप देखे होंगे तो आपको फीट पे बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा. ये एक्चुअली बटरफ्लाई इयर रिंग है जिसे मैंने अभी देख रही हूँ कि मुझे दो अलग अलग कलर दे दे, एक रोज गोल्ड काइंड ऑफ है और एक प्रॉपर गोल्ड है. सो या ये है. एंड ये पता नहीं देख के तो अच्छा लग रहा था बटरफ्लाई विंग्स जो है, बट अभी पहनने के बाद कैसा लगेगा तो अगेन आपको पिक्चर यहीं पे दिख जाएगा. सो या नेक्स्ट ये वाला पीस था. एंड नेक्स्ट इज हुप्स. ये हार्ट शेप्ड हुप्स है. लाइक लेट मी शो यू, दिस इज हार्ट शेप्ड हुप अगर आपको दिख रहा होगा तो. या एक्चुअली अगर आप मुझे फॉलो करते हो या फिर मेरे बहुत क्लोज तो आपको पता होगा कि आई लव हुप्स. मेरे पास सर्कल है, स्क्वायर है, मैंने हेक्सागन ऑर्डर किया हुआ है एंड दिस इज हार्ट शेप. सो आई लव रियली वेयरिंग हुप्स. लाइक मुझे अगर डेली वेयर कोई बोल रहे हैं तो मैं डेली वेयर हुप्स पहन के निकल जाती हूँ. सो आई लव हुप्स. तो ये था नेक्स्ट ज्वेलरी. द थिंग इज ये थोड़ा सा थिन है, आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग इतना थिन, बट हाँ ठीक है, ओवरऑल मुझे अच्छा लगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ये पेयर ऑफ इयर रिंग. लाइक यहाँ पे तीन सर्कल्स है एज यू कैन सी. एंड मैं इसे थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ. लाइक मैं नॉर्मली ऐसा होता है वैसे में जब भी शॉपिंग करती हूँ एक ज्वेलरी ऐसा हो जाता है जिससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहती हूँ, ज़्यादा नहीं. आई रियली थॉट कि थोड़ा सा थिक होगा, लाइक थोड़ा सा मोटा होगा, इतना ज़्यादा थिन रिंग्स नहीं होंगे, बट हाँ ओवरऑल थिन है. तो इससे थोड़ा बहुत मैं डिसअपॉइंट हुई थी और मुझे ये लगा था थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन बहुत छोटू सा है, लाइक यू कैन कंपेयर इट विथ माय हैंड. तो ये काफ़ी थोड़ा छोटा सा है, मैंने सोचा थोड़ा बड़ा होगा एंड थोड़ा चंकी होगा, बट या नेक्स्ट ये था. सो यस गाइस, दैट वाज द होल वीडियो. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो. अगेन सारी चीज़ें मैंने स्क्रीन पर मैंशन की थी और बाकी दोनों एवर स्टाइलिश हॉल का लिंक मैं यहाँ आई बटन पर डाल दूंगी, तो आप उसे क्लिक करके वहाँ जा सकते हो. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ हुआ हो, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड इसके बगल में बेल आइकन आएगा, उसे भी हिट कर दीजिएगा. अगेन मैं बोल रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, आप कितना ही बुलवाओगे. डेली मैं बोलती हूँ, हर एक वीडियो में बोलती हूँ, प्लीज़ कर लो. इंस्टाग्राम का हैंडल पर से चेंज हो चुका है, तो इंस्टाग्राम का हैंडल लिंक मेंशन होगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेंशन होगा. एक क्लिक की दूरी है, एक क्लिक की दूरी मास्क है ज़रूरी, फॉलो भी करना है ज़रूरी, प्लीज़ कर लें. थैंक यू. So yeah, thank you so much for watching. Till then, bye.